क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3, क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच, इसका टीजर आया, अब फाइनली इसका ट्रेलर आ चुका है। मेरा नाम है ब्रसून, आप देख रहे हैं शो टाइम विद आरजे ब्रसून। और इस सीजन की अगर बात करें, इंतजार थोड़ा सा लंबा हुआ, बट फाइनली इसका ट्रेलर आ चुका है और इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार कि इस ट्रेलर को देखने के बाद लग रहा है कि ये सीजन बहुत अमेजिंग होने वाला है। और पंकज त्रिपाठी यानी कि माधव मिश्रा अब तक का सबसे मुश्किल केस लड़ने वाले हैं। बात ओटीटी के कंटेंट की करें या पॉलिटिक्स की करें तो बिहार केंद्र बिंदु है। उसमें या तो एक्टर बिहार से होते हैं, डायरेक्टर हो, या फिर इसके लिखने वाले हो, या फिर उस कहानी की स्टोरी लाइन जो है वो बिहार को कनेक्ट करती हो। कुछ दिनों पहले रंगबाज का तीसरा सीजन आया, सुपर डुपर हिट। अब क्रिमिनल जस्टिस 3 का टीजर आया है, केंद्र बिंदु पंकज त्रिपाठी। एक्चुअली इसके पहले भी 2 सीजन आ चुके हैं। पहला सीजन इसका आया था 2019 में अप्रैल में, और इसके 10 एपिसोड थे, लगभग 40 से 60 मिनट के एपिसोड थे इसके। और इसके लीड एक्टर्स थे विक्रांत मेसी, जैकी श्रॉफ, अनुप्रिया गोयनका, मीता वशिष्ठ और पंकज त्रिपाठी। इसके पहले सीजन को लिखा था श्रीधर राघवन ने, और 10 एपिसोड में पहले के सिर्फ 2 एपिसोड थे जिसे डायरेक्ट किया था तिग्मांशु धूलिया ने। बाकी के 8 एपिसोड डायरेक्ट किए गए थे विशाल फूरिया के द्वारा। एक्चुअली 2008 में एक ब्रिटिश वेब सीरीज आई थी, इसी का हिंदी अडॉप्शन है ये। उसका भी नाम बिल्कुल सेम था, क्रिमिनल जस्टिस। और इसका अगला सीजन आया यानी कि दूसरा सीजन 2020 में। पहला आया था हॉटस्टार पे, लेकिन जब दूसरा सीजन आया तो हॉटस्टार हो चुका था डिज्नी प्लस हॉटस्टार। सेकेंड सीजन दिसंबर 2020 में आया, हॉटस्टार डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो चुका था। 8 एपिसोड इसके आए जिसमें पहले के 4 एपिसोड किसी और डायरेक्टर ने डायरेक्ट किए और बाकी के 4 एपिसोड किसी और ने। इन एपिसोड्स को लिखा था अपूर्व असरानी ने। पहले 4 एपिसोड डायरेक्ट किए गए रोहन सिप्पी के द्वारा और बाकी के 4 एपिसोड डायरेक्ट किए गए अर्जुन मुखर्जी के द्वारा। लीड कैरेक्टर्स इसमें भी प्ले कर रहे थे पंकज त्रिपाठी, मीता वशिष्ठ, अनुप्रिया गोयनका, कीर्ति कुल्हाड़ी और खुशबू अत्रे। जब इसका पहला सीजन आया तो नाम था सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस, बाद के सीजन्स में सबटाइटल भी जुड़ते चले गए। सेकंड सीजन आया क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, अब आ रहा है क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच। एडवोकेट माधव मिश्रा एक बहुत ही मुश्किल केस लड़ने आ रहे हैं। टीजर आपने देखा होगा, माधव मिश्रा का दरवाजा खुलता है, वो सामने नजर आते हैं और एक लड़की की आवाज आती है, अंकिता आहूजा। ट्रेलर आने के बाद पता चलता है कि अंकिता आहूजा स्वस्तिका मुखर्जी हैं और जानी मानी एक्ट्रेस है, दिल बेचारा में भी आपने इनको देखा था। और पता चलता है कि इन्हें पंकज त्रिपाठी की मदद चाहिए, इसलिए क्योंकि इनकी बेटी और चाइल्ड एक्ट्रेस जारा आहूजा की हत्या हुई है और क्राइम का मेन सस्पेक्ट इनका बेटा यानी कि उस चाइल्ड एक्ट्रेस का भाई है, मुकुल आहूजा, यानी कि आहूजा फैमिली वर्सेस स्टेट। और इनका केस लड़ने वाले हैं पंकज त्रिपाठी यानी कि माधव मिश्रा। सच झूठ, कानूनी दांव पेच, ड्रग्स फाइट, जेल में फाइट और कोर्ट रूम की कहानी आपको नजर आने वाली है। ट्रेलर अमेजिंग है। और अगर इस सीजन के एक्टर्स की बात करें, पंकज त्रिपाठी के ऑपोजिट श्वेता बासु प्रसाद, ये लॉयर होंगी, और इनके अलावा स्वास्तिका मुखर्जी, गौरव केरा, आदित्य गुप्ता जो कि मुकुल आहूजा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, स्वास्तिका मुखर्जी इनकी मां का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और पूरब कोहली इनके पति का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जारा आहूजा इस सीजन की चाइल्ड एक्ट्रेस जिनके हत्या की गुत्थी सुलझाई जाएगी, और ये है देशना दुगड़। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 26 अगस्त को क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच को स्ट्रीम किया जाएगा। और इस मंथ के एंड में 2 कमाल की वेब सीरीज आपके लिए आ रही हैं, एक तो ये क्रिमिनल जस्टिस और दूसरा महारानी का दूसरा सीजन आने वाला है, महारानी 2 बिहार, इसके भी केंद्र बिंदु में है और 90s का जो प्लॉट है वो आपको नजर आएगा। और इन डिटेल इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना ज्यादा इंतजार है एडवोकेट माधव मिश्रा का और मेरे अगले वीडियो का। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।